सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, जुबा पर गुरबाणी, झांकी और अपने कार्यों से स्वच्छता का संदेश देते हुए आज पानीपत के इंसार बाजार से आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन वो निकाला जा रहा है। पालकी आपको नजर आ रही होगी जहां पर आज जो है नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के इंसार बाज़ार से। आज विभिन्न बाजारों से होते हुए ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, पंच प्यारों की अगुवाई में ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। हालांकि कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया है। पहले जहां आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आते थे, गतका पार्टी आती थी, लेकिन इस बार जो है छोटे स्तर पर ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ पर आज जो है नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें संगत के अलावा अलग अलग समाज के जो संगत हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। सभी जो है कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं, इसीलिए इस बार छोटे बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बार जो है छोटे स्तर पर नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके वो शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। जीटी रोड से नगर कीर्तन शुरू हुआ था, जिसके बाद आप जो है विभिन्न बाजारों से होता हुआ नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके वो शेयर जरूर करें। आओ कीर्तन के साथ जुड़िए। तारे कच्ची लस्सी कंगन खेत देने, लोका दे पुतारे कच्ची लस्सी कंगन खेत देने, दयाल दयानिध धोखन देखत है पर देत नहारे, दीन दयाल देखत है पर देत नहारे, तुम्हें दास हम दीना, तुम्हें नानक साहेब पर बोल दीना, नानक साहेब नानक साहेब पर पुर लीना, नानक साहेब पर पुर लीना, नानक साहेब पर पुर लीना, नानक साहेब पर पुर लीना। गुरु वाहे 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी सरबंस दानी पिता, धर्म रक्षक, देश रक्षक, महान क्रांतिकारी गुरु 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 356वां प्रकाश दिहाड़ा, पानीपत दी सारिया संगतां, सारिया धार्मिक सभा सुसायटियां, गुरुद्वारा पहली पातशाही वालों जो हर साल ये नगर कीर्तन आयोजित किया जाता है। इस वक्त नगर कीर्तन अपने रस्ते से शहर के मुख्य बाजारों में होंदा होया अगे लंघ रहा है, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपना सारा जीवन देश अते कौम नू समर्पित कर दिता। आप जी के जीवन का 3 प्रयोजन सन, धर्म चलावन, संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारण। इन्हों तिना उद्देशों की पूर्ति वास्ते गुरु साहब जी ने बहुत वड्डी कीमत उन्होंने चुकाई है। सारा सरबंस वार दिता, चारे साहबजादे वार दिते, माता वार दिती, जान तो प्यारे गुरसिख जिन्हां दी गिनती नहीं है उन्होंने अपनी जाना वारियां। तो उस वक्त जो जुल्म दी हनेरी चल रही सी, धर्म नूं खत्म करन वास्ते तुली होई सी औरंगजेब दी जुल्मी सरकार, उसका टाकरा कीता अते धर्म दी रक्षा कीती। अपने बचपन दे विच अपने पिता गुरदेव गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली तोरिया तिलक अते जंजू दी राखी वास्ते, भाव हिंदू धर्म दी रक्षा वास्ते।
अपना आप भी कुर्बान कर दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। तो ऐसे देश भगत, देश रक्षक, धर्म रक्षक सानू संसार के इतिहास में मिलने बड़े मुश्किल हैं। अगर हिंदवासी उन्होंने रोम रोम करके शुकराना करन गुरु कलगियां वाले पातशाह का, वो नहीं कर सकते। इन्ने उपकार किए ने गुरु कलगियां वाले पातशाह ने इस देश के उत्ते कि असी उन्हों का बदला नहीं चुका सकते। तो आज के दिन यही संदेश है कि असी अपने धर्म वास्ते या असी अपने हिंदुस्तान वास्ते जिहड़ी भी कुरबानी गुरु साहब जी वांगरा सानू देनी पवे, असी हर वक्त देश नू यह कुरबानी देन वास्ते तैयार हाँ। असी अपने देश नू एक सुरता विच रखना है क्योंकि साडा देश जिहड़ा है कई धर्मां दा सुमेल है। साडा देश इहदे विच बहुत सारे धर्म हन, सारे धर्मां नू असी आदर देना है, किसी एक धर्म नू नीवा नहीं दिखाना। सारे ही देशवासी हन, सारे ही देश भगत हन। यही संदेश अज के दिहाड़े असी सरबत मानवता नू देना चाहवांगे। तो मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पातशाही पहली वालों सरबत मानवता नू प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां देंदा हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिवस है आज, और कल जो है गुरपुरब है, और उसी खुशी में हर साल की तरह जो है नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबका सबकी मदद करनी चाहिए, जहाँ जितनी हम लोग मदद कर सकें हमें सबकी मदद करनी चाहिए। और इस उपलक्ष्य में मैं सभी पानीपत वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इस वक्त हम इंसार बाज़ार में मौजूद है, जहाँ पर आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर दुकानदारों द्वारा नगर कीर्तन का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही संगत में प्रसाद भी बांटा जा रहा है। कुछ दुकानदार हमारे साथ है, बाजारों के प्रधान भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, आज नगर कीर्तन निकाला गया है, साथ ही आपकी तरफ से नगर कीर्तन का स्वागत भी किया गया। ये गुरु घर के साथ हम, आप सबको ये मालूम ही है कि हमारा पानीपत जो है सभी धार्मिक कामों में सबसे आगे बढ़कर रहता है। पानीपत के अंदर यही एक संदेश है कि सभी धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, आपस में सभी मिलकर रहते हैं। आज जैसे आपने देखा कि नगर कीर्तन गुरु के घर का जो प्रसाद, सभी धर्म के लोगों ने, ये नहीं कि कोई हिंदू है, कोई सिख है या कुछ भी है, इसमें कोई भी धर्म नहीं देखा जाता। कोई भी शोभा यात्रा हमारे पानीपत में निकाली जाती है तो सभी तन मन धन से, सभी व्यापारी लोग, सभी जितने भी धर्मों के लोग हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और मैं सभी देशवासियों को, शहरवासियों को नगर कीर्तन की शुभकामनाएं देता हूं, और बाबा जी से अरदास करता हूं कि सभी पे जिस तरह ये महामारी चल रही है, इस महामारी से जल्द छुटकारा मिले और सभी के काम में बरकत मिले। मैं बाबा जी के चरणों में यही अरदास करता हूं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। हमने आपको आज लाइव तस्वीरें दिखाई नगर कीर्तन की, जहाँ पर आज सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज जो है नगर कीर्तन निकाला गया था। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।